पर लगा लिए हैं हमने अब पिंजरों में कौन बैठेगा, अब पिंजरों में कौन बैठेगा, जरा सुन लो। जब तोड़ दी है जंजीरे, जब तोड़ दी है जंजीरे, कामयाब हो जाएंगे, तो कामयाब हो जाएंगे, जरा सुन लो। हो गए हैं हम मिलके, खड़े हो गए हैं हम मिलके, हमको कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, जरा सुन लो। दीवारे तोड़ दी हमने, दीवारे तोड़ दी हमने, खुल के सांस लेंगे, खुल के सांस लेंगे, रोकी मानी अब तक, रोकी मानी अब तक, खुद को बुलंद करेंगे, खुद को बुलंद करेंगे, जरा सुन लो। देखो सुलग उठी है चिंगारी, ओ देखो सुलग उठी है चिंगारी, के जुल्म की शामत आई है, के जुल्म की शामत आई है, जरा सुन लो। मर्दों के बनाए कानून, मर्दों के बनाए कानून, अब हम कमजोर नहीं है, अब हम कमजोर नहीं है, जरा सुन लो। ये फोन पर किससे बातें कर रही थी, कौन था? सारा दिन ऑफिस के काम में तेरा दिमाग लगा रहता है, घर के भी कुछ काम कर लिया कर। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि बाल मत कटवा, मैं देख रहा हूँ कि जब से तू नौकरी कर रही है बाल कटवा के परियों की तरह घूम रही है। कपड़े देखो मैडम के, फैशन देखो, जैसे इंडिया में ना यूरोप में रहती हो। अरे मैडम जी, अच्छी खासी लड़की हो, लड़कों की तरह क्यों रहती हो? जब से इसकी नौकरी लगी है ना, अपने आप को लाड साहब समझने लगी है। क्यों, किसका मैसेज था? तुम्हारे बड़े मैसेज आते हैं जब देखो चैटिंग पर लगी रहती है। क्यों, कोई है जवाब? क्यों, कोई है जवाब? कोई उस औरत को बतलाए, आखिर क्यों दे रही है वो किसी को अपनी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब? आखिर कब बंद होगी दीवार में ठुकती कील सी प्रश्नों की ठक ठक? आखिर क्यों दे रही है वो किसी को अपनी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब? सुनो, आज शाम को घर जल्दी वापस आ जाना, मेरी मौसी और उनके बच्चे आ रहे हैं। मेरी इस हफ्ते ऑलरेडी दो छुट्टियां हो चुकी हैं, मैं 8 बजे से पहले वापस नहीं आ पाऊंगी। तो घर का काम कौन करेगा, रोटियां कौन बनाएगा, मेरी बूढ़ी माँ या मेरी बहन? ठीक है, नौकरी करने वाली लड़की से शादी करके मैं पछता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं छोड़ देती हूँ नौकरी, फिर अपनी सैलरी में कर लेना सारे घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, अपने माँ बाप की दवाई का खर्चा और तुम्हारे खुद के खर्चे भी। सारा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह जो कह दिया सो कह दिया, शाम को चुपचाप घर वापस आ जाना। अगर तुम घर पर न रही तो ये लोग क्या कहेंगे? पिंजरे में बंद मैना को किस्ता गोई का पाठ पढ़ाते रहे, लाज शर्म का हिसाब लगाते रहे, ताला बंदी का हक जताते रहे। जो तुमने पाया वो तुम्हारा सामर्थ्य है, और जो नारी ने स्वयं किया वो उसकी बेहयाई। अब बताओ क्यों तुम्हें ये बात समझ नहीं आई? क्या करोगी अब तुम, नौकरी करोगी? अब हम तुम्हारी कमाई खाएंगे भाई, आस पड़ोस में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? देखो तुम घर में ही सिलाई कढ़ाई बुनाई बहुत सारे काम होते हैं, वो कर लो। अब माना कि तुमने 12वीं की है, बाहर जाके काम करोगी, 10 मर्दों के साथ उठना बैठना होगा, कहीं ऊंच नीच हो गई तो? देखो अगर तुम्हें बाहर जाके काम ही करना है तो मैं सारा दिन धूप में खड़ा होकर अपना प्रेस घिसता रहता हूँ, मेरे साथ आओ, वहाँ मेरे काम में मदद कर दो। देखो मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ, और वैसे भी तुम्हारी इस प्रेस के काम से हमारा घर नहीं चलने वाला। वो कह दिया ना, बस अब अगर कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो हम कैसे तुम काम पे कर जाओगी, बताओ? काम कर पाओगी बाहर जाके? और अगले महीने ही ताऊ जी के लड़की की शादी है, और तुम्हें तो पता ये गाँव भी जाना है, और बहुएं ही संभालती हैं घर के सारे काम काज और रिश्तेदारियाँ। सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते, कभी देखा है तुमने उसे? रिश्तों के कुरुक्षेत्र
के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने? उसके अंदर का भीतर का इतिहास, खाता हुआ इतिहास, अगर नहीं तो जानते क्या हो तुम? रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। आइए आइए आइए, आपकी आप बच्चियों के लिए यहाँ काउंसलिंग कैंप लगा हुआ है। जो बच्चियाँ आठवीं से बारहवीं तक पढ़ती हैं, उनके लिए यहाँ काउंसलिंग कैंप लगा हुआ है। आइए आइए। जी भाई साहब, मेरा भी लड़का है, उसने भी ग्यारहवीं बारहवीं कर ली है, उसके लिए कोई नौकरी या किसी चीज का कोई? हाँ जी हाँ जी, अच्छी बात है, पर आपकी बेटी क्या करती है? अरे जी, उसकी भी बारहवीं हो गई है, आप मेरे बेटे के बारे में बताइए। अरे बहन जी, तो आप अपनी बेटी के बारे में बात क्यों नहीं करती? अजी, बारहवीं कर ली है, बड़ी हो गई है, लड़का ढूंढ रहे, अगले साल तक उसकी शादी कर देंगे हम। बहन जी, आप अपनी बेटी को कोई टेक्निकल कोर्स या फिर कोई अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं कराती, ताकि वो नौकरी करे और आपका सहारा बन सके? जी, टेक्निकल कोर्स, पढ़ाई लिखाई, अजी बारहवीं कर ली है, अगले साल तक उसकी शादी कर देंगे, और ये सब करके उसे क्या करना है, उसे तो घर में ही बैठना है। बहन जी, आपकी तरह हजारों परिवार बच्चियां थी परिवार की, जो ऐसे ही घूमती थी, पर उनके परिवार वालों ने उनकी मदद की, उनको पढ़ाया लिखाया, आज वो बच्चिया आगे बढ़कर अपने परिवार का सहारा बनी है। वो आज गर्व से कहती है कि हाँ, मैं नौकरी करती हूँ। आप भी अगर अपनी बच्ची को नौकरी करवाएंगी, तब जाकर आप भी कल गर्व से कह पाएंगे कि तो आपकी बेटी नौकरी करती है, आपके परिवार संभालती है। काउंसलिंग हो रही होती है लड़कियों की, और वहां पूछताछ शुरू हो जाती है लड़कों के बारे में। लड़कियों को भी अपना करियर बनाने के लिए जरूरत पड़ती है काउंसलिंग की, उन्हें भी अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सलाह की, मशवरे की जरूरत पड़ती है। ये सच है कि समाज में बदलाव आया है, लेकिन जरूरत है और बदलाव लाने की, हमें बात समझने की, जानने की, और इस बात को और आगे लेकर जाने की। हवाओं से बढ़ रही है लड़कियां, उन्हें बेहिचक चलने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रुका जाना। फूलों से बन रही है लड़कियां, उन्हें महकने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेदर्दी से कुचला जाना। परिंदों से बन रही है लड़कियां, उन्हें बेखौफ उड़ने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं उनके परों का काटा जाना। पहाड़ों से बन रही है लड़कियां, उन्हें सर उठाकर चढ़ने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं सिर को झुकाकर जीना। सूरज से बन रही है लड़कियां, उन्हें चमकने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं पर्दों में ढका जाना। हमारे घरों से लेकर बाहर तक हर जगह लड़कियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बचपन में, स्कूल में पढ़ाई का संघर्ष, समाज में लड़का लड़की में भेदभाव, यहाँ तक कि बचपन में बहन भाई के खेल खिलौनों तक में अंतर, गली मोहल्ले में घूरती नजरें और छेड़खानी का डर, घर स्तर पर दबाव, डर, संशय, अविश्वास, माता पिता की चिंताएं, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, दुपट्टा ऐसे और ऐसे नहीं, ऐसे कपड़े पहन, वैसे कपड़े मत पहन, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ताने उलाने, अपमान और विश्वास का अभाव, यह जिंदगी भर चलता रहता है। घर परिवार से बाहर की दुनिया, नौकरी की दुनिया, जहां हर जगह लड़की होने का मतलब कमजोर होने का एहसास कराया जाता है। हौसलों की उड़ान, सपनों की शान, बेहिचक बेझिझक निडर तू आगे बढ़, सपनों को साकार कर, अपने सपनों को हकीकत में बदल, लांग रेखा है तू, नियति को तोड़, अपने सपनों को साकार कर, पंख कतरने वाली कैची को तोड़ दे, परंपरागत ढांचे को अपनी ताकत से मोड़ दे, नजरिया बढ़ा, खुद को समझ, तय कर मंजिल, सपनों को साकार कर। जीवन में बदलाव समस्याओं से लड़ने के बाद आता है। हजारों लाखों लड़कियों ने उन समस्याओं का सामना किया, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ी और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। परिवार में समस्याएं होती हैं, समाज में समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, मगर उन चुनौतियों से डटकर मुकाबला नहीं होता, उनसे डटकर उन चुनौतियों का मुकाबला होता है। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है,
यानी कि महिला जिसे चाहे उसे सफल बना सकती है। अगर वो दूसरों को ही सफल बना सकती है तो खुद भी उनसे ज्यादा कामयाब बन सकती है, सफल बन सकती है और अपने सपनों को साकार भी कर सकती है। लड़कियों को ताकत, सम्मान, गरिमा बचपन से ही उसे उसके परिवार से मिला। उसे उसके काम के लिए तारीफें मिली, एप्रिसिएशन मिला। उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए, ताकत दी जाए। समाज में सामाजिक व आर्थिक प्रगति के लिए लड़कियों को, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की जरूरत है और ये जरूरत पूरी होगी हम सबके एकजुट होने से, बातचीत करने से। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हम सोचते हैं उसे अंत तक पूरा करें, उसे बीच में ना छोड़ें। साथ चलें, बातें करें, गाएं, हंसें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें। अगर आप आगे बढ़े तो दूसरे की मदद करें, ये एक श्रृंखला है। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी बदलाव की श्रृंखला और मजबूत बनेगी, लंबी कतारें बनेंगी। दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, पर उनका समाधान भी है। और समाधान घर बैठने में नहीं, घर से बाहर निकलकर काम करने में है, आगे बढ़ने में है। और समाधान आप सबके हाथों में है। हाथ से हाथ मिलाकर साथ चलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, हिम्मत रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, कभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, कभी तो जमाना बदलेगा। चुप रह गए जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदलेगा? चुप रह गए जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदलेगा? तू बोले ये ताना।